बनारस प्रशासन किस हद तक लापरवाह है इसकी कलई एक घटना ने खोलकर रख दी है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के नजदीक ही बिना सरकार की जानकारी के जमीन के अंदर एक पूरा अवैध शहर बसा दिया गया था, पर प्रशासन सोता रहा। ऐसे में ये घटना न केवल सुरक्षा में बड़ी चूक है बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान। पीएम मोदी के क्षेत्र में सीक्रेट बेसमेंट, बनारस में अंडरग्राउंड अवैध शहर, जमीन से 20 फीट नीचे रौनक बाजार, जर्जर मकानों के नीचे सैकड़ों दुकान। जमीन के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट का गहरा राज आपको हैरान कर देगा। जैसे जैसे कैमरा अंदर जाएगा इसकी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती जाएगी। इसकी होश फाख्त करने वाली हकीकत जानने से पहले जानिए कि ये ना तो किसी बाबा का तिलिस्म गुफा है और ना ही किसी का घर। जमीन के अंदर बसाया गया ये एक अवैध शहर है। ईंट और पत्थर पर बना एक ऐसा मार्केट जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जो 6 सालों से बनाया जा रहा था लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं थी, ना स्थानीय प्रशासन को, ना पुलिस को, ना ही खुफिया तंत्र को। आपको बता दें कि बनारस में बना ये सीक्रेट बेसमेंट पूरे 700 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसका एक सिरा दाल मंडी से जुड़ा है तो दूसरा बेनिया बाग तक। अतिक्रमण हटाने गए एसपी की नजर दुकानों के नीचे बसाए गए बाजार पर पड़ गई। वो जब इस गुफा के अंदर गए तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। आनन फानन में इसे सील कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 और अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच भी शुरू हो चुकी है। ये घोर लापरवाही इसीलिए भी है क्योंकि बाबा विश्वनाथ मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा था, जो देश के बेहद ही संवेदनशील जगहों में से एक है। बिल्डिंग्स के भीतर ही ये लोग बेसमेंट बनाने का इनकी कोई टेक्नोलॉजी है जो ये लोग इजहार कर रहे हैं, जो कि अनसेफ है स्ट्रक्चरली। तो ये निर्देश मीडिया को दिए कि जितने इस प्रकार के नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं उस इलाके में उसका पूरा एक बार हम लोग 100% सर्वे कर लें और ऐसे प्रकरणों के ऊपर हम कार्रवाई करें। 6 सालों से यहाँ जमीन के नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। संकरी गली में संवेदनशील जगह पर जमीन के नीचे मार्केट बना दिया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसीलिए सवाल उठते हैं कि कहां सो रहा था खुफिया तंत्र, क्या कर रहे थे वीडीए के अफसर, पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी सुरंग पर। स्थानीय लोगों ने तो जरूर देखा होगा, उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को इत्तला की। इस मार्केट को बनाने के पीछे का मकसद क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके चक्रव्यूह में पूरा प्रशासनिक अमला फंसा है। इन सवालों का जवाब देना जरूरी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, जब अति संवेदनशील बाबा विश्वनाथ मंदिर से चंद कदम की दूरी पर ऐसा हो सकता है, तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।